आज की इस वीडियो में हम 10 कॉलम वर्कशीट बनानी सीखेंगे और इसमें जो प्रॉब्लम कवर करेंगे वो 4.4A, 5A, 6A एंड 7A। और इसमें लास्ट वीडियो में जो हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस सीखा था, एडजस्टिंग एंट्रीज की मदद से एडजस्टिंग ट्रायल बैलेंस बनाया था, तो आज हम उसी वर्कशीट को कंटिन्यू करेंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, आज उसी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की मदद से 10 कॉलम वर्कशीट बनानी सीखेंगे। अब इन 10 कॉलम वर्कशीट में आप चेक कर लीजिए, 2 कॉलम इनकम स्टेटमेंट के हैं और 2 कॉलम बैलेंस शीट में हैं। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास रेवेन्यूज आते हैं और एक्सपेंसेस आते हैं, बैलेंस शीट में एसेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी आती है। तो अब ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को। ब्लू कलर से। तो अब जो हमने अमाउंट लेनी है वो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से लेनी है, और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में अमाउंट यहाँ से कॉपी करके वहां पे पोस्ट करनी है। अच्छा, ये 10 कॉलम वर्कशीट है। 10 कॉलम वर्कशीट आपको एट अ ग्लांस आप कहने के ये आपको सारा कुछ दिखाती है कि आपने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपका कितना था, और उसके बाद आपने कौन कौन सी एडजस्टिंग एंट्रीज पास की, कौन सी अमाउंट आपने डेबिट की है और कौन सी अमाउंट आपने क्रेडिट की है, और उसके बाद आपने अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में एडजस्टिंग एंट्रीज इनकॉर्पोरेट करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है। और एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की मदद से फिर हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, यानी आप यूँ समझ लें कि एक शीट पे, कंप्लीटली एक शीट पे आपको ये सारा कुछ नजर आ रहा होता है कि आपने इनकम स्टेटमेंट में आपको पता चल जाता है कितना प्रॉफिट हुआ है, और बैलेंस शीट से क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या एसेट्स, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं, कैश वन बाय वन हम देखना शुरू करते हैं और फिर हम इनको इनकम स्टेटमेंट में या बैलेंस शीट में पोस्ट करते जाएंगे। और दूसरी खास बात ये है कि अगर अमाउंट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कोई अमाउंट डेबिट साइड पे लिखी है तो हम यहाँ पे डेबिट पे ही उसको पोस्ट करेंगे, और अगर क्रेडिट साइड पे लिखी है तो हम क्रेडिट साइड पे ही पोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, कैश है ये, दिस वन ये कैश है। कैश क्या है आपका? एसेट है। तो एसेट कहाँ लिखा जाता है, एसेट की जगह कहाँ है? बैलेंस शीट में है, तो हम कैश को एसेट्स में लिख देते हैं, 20,000 बैलेंस शीट में। 20,000, ये देखिए यहाँ से हमने इसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हमने इसको कॉपी किया है, और एज इट इज हम वहां से कॉपी कर रहे हैं और उसको लिखते जा रहे हैं। यानी सबसे पहले हमने देखना है, ये देखिए ये डेबिट पे लिखा हुआ है, कैश है, कैश क्योंकि एसेट है तो हम बैलेंस शीट में एसेट साइड पे या डेबिट साइड पे इसको हम लिख देंगे। इसी तरह आप देखिए, प्रीपेड फिल्म रेंटल है, लैंड है, बिल्डिंग है, ये सारे आपके एसेट्स है, लेकिन अमाउंट हमने कहाँ से लेनी है? एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। तो एसेट साइड पे हम यहाँ पे ये देखिए 16,000 प्रीपेड फिल्म रेंटल, तो जितने भी प्रीपेड होते हैं वो आपके करंट एसेट्स होते हैं, बैलेंस शीट में आ गए। लैंड आपका फिक्स एसेट है, बैलेंस शीट में आ गया। उसके बाद बिल्डिंग है, ये भी फिक्स एसेट है, इसको भी हमने कहाँ लिख दिया है? इसको भी हमने यहाँ पे बैलेंस शीट में लिख दिया। उसके बाद ये एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, 14,700। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट होता है, यानी एसेट का कंट्रास्ट होता है, हम इसको एसेट्स में से माइनस करते हैं। इसी वजह से देखिए, तमाम एसेट्स डेबिट पे हैं तो कॉन्ट्रा एसेट्स क्रेडिट पे है। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे ही अमाउंट है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, तो हमने यहीं से कॉपी करके और क्रेडिट साइड पे इसको पोस्ट कर दिया है। फिर फिक्स इक्विपमेंट है, फिक्स इक्विपमेंट 36,000 का है, फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, तो वो देख लीजिए, ये एसेट है, एसेट है तो बैलेंस शीट में आ गया। इसी तरह फिक्सचर्स एंड इक्विपमेंट का एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, कॉन्ट्रा एसेट है तो बैलेंस शीट में आ गया। उसके बाद नोट्स पेबल हमारे पास, उसके बाद देख लीजिए, नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, अनअर्न्ड एडमिशन रेवेन्यू और इनकम टैक्स पेबल, ये जितने भी पेबल्स होते हैं ये आपकी लाइबिलिटीज होती हैं, तो ये लाइबिलिटीज की अमाउंट है, हम यहाँ से कॉपी करेंगे और बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि लाइबिलिटीज बाय नेचर डेबिट होती हैं।
क्रेडिट होती हैं, तो हम उसको क्रेडिट साइड पे लेके आ जाते हैं। ये 4400 अकाउंट्स पेबल है, लाइबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगी। अनर्न एडमिशन रेवेन्यू, अनर्न, अगर रेवेन्यू के साथ अनर्न का वर्ड है तो ये याद रखना है कि ये लाइबिलिटी है, ये कभी भी रेवेन्यू नहीं है, ये लाइबिलिटी है, क्योंकि अभी आपने इसको अर्न नहीं किया है। उसके बाद हमारे पास है कैपिटल स्टॉक, कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स एंड डिविडेंड्स। ये तीनों चीजें, कैपिटल स्टॉक, रिटेन अर्निंग और डिविडेंड, ये भी ओनर्स इक्विटी का पार्ट है, बैलेंस शीट में आएगा। तो कैपिटल स्टॉक आप देख लीजिए क्रेडिट साइड पे है, तो इसको मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। उसके बाद रिटेन अर्निंग क्रेडिट साइड पे है, तो यहाँ से मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। और फिर बैलेंस शीट में डिविडेंड्स जो है वो भी बैलेंस शीट में ही आएंगे। एक्चुअली ये बैलेंस शीट में नहीं आते, इसको हम स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी या स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में लेके जाते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो कॉलम्स हैं वो इनकम स्टेटमेंट के हैं या बैलेंस शीट के हैं। तो डिविडेंड्स ना ही आपका रेवेन्यू है, ना ही आपका एक्सपेंस है, बल्कि ये ओनर्स इक्विटी का पार्ट है, और ओनर्स इक्विटी अल्टीमेटली बैलेंस शीट का पार्ट है, इस वजह से हम इसको बैलेंस शीट में ही लिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आप देख लीजिए, नेक्स्ट हमारे पास है रेवेन्यूज दिए हुए हैं, जितने भी रेवेन्यू हो, एडमिशन रेवेन्यू एंड कंसेशन रेवेन्यू, ये दोनों रेवेन्यूज हैं, और रेवेन्यूज हमारे पास क्रेडिट साइड पे आते हैं। और अब हम इसको कहाँ पे लिखेंगे, इनकम स्टेटमेंट में, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हैं, इनकम स्टेटमेंट से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों रेवेन्यूज हमने कहाँ लिख दिए, ये दोनों रेवेन्यूज हमने इनकम स्टेटमेंट में क्रेडिट साइड पे लिख दिए, क्योंकि रेवेन्यूज बाय नेचर क्रेडिट होते हैं और एक्सपेंसेस बाय नेचर डेबिट होते हैं। तो अब देख लीजिए नेक्स्ट हमारे पास एक्सपेंसेस हैं, सैलरीज, फिल्म रेंटल, यूटिलिटी, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस हैं। और इसकी अमाउंट हम कौन सी लेंगे, एडजस्टेड अमाउंट लेंगे, जिसमें एडजस्टिंग एंट्रीज इनकॉर्पोरेट हमने कर ली हैं। और ये तमाम एक्सपेंसेस आप चेक कीजिए, ये डेबिट साइड पे हैं, तो इनको भी हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो तमाम एक्सपेंसेस को हम डेबिट साइड पे लिखते जा रहे हैं। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंसेस को हम कॉपी कर रहे हैं, इसको हमने कॉपी कर दिया। उसके बाद ये टोटल है, इसको हम स्किप कर देंगे, जितने भी टोटल हमने किए हुए हैं। इंटरेस्ट पेबल इन नेक्स्ट है, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट साइड पे लिखा हुआ है, पेबल आपकी लाइबिलिटी है, तो हम बैलेंस शीट में ले गए। अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है, तो एसेट्स को भी हम बैलेंस शीट में ले गए। और उसके बाद लास्ट में है सैलरीज पेबल, अगेन ये लाइबिलिटी है, तो फिर हम इसको क्रेडिट साइड पे ले गए। हमने क्या किया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से अमाउंट्स कॉपी की हैं और हमने उनको या इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट में पेस्ट कर दिया है। अच्छा, कॉपी पेस्ट हमने किस बेसिस पे किया है, अगर वो रेवेन्यू है या एक्सपेंस है तो वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, इसके अलावा जो भी रह जाता है, यानी एसेट्स, लाइबिलिटीज, ओनर्स इक्विटी, वो हम फिर बैलेंस शीट में जाके, उसको हम बैलेंस शीट में जाके पेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह आपकी ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बन गई है। नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इसको टोटल करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए रेवेन्यू साइड को अगर आप टोटल कर लीजिए, तो हमारे पास रेवेन्यू साइड का जो टोटल आ रहा है, उसको सम करने के बाद, और एक्सपेंसेस को हम टोटल कर लेते हैं, तो एक्सपेंसेस हमारे पास आ रहे हैं। ऑलराइट, इसी तरह हम बैलेंस शीट में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों को हम टोटल कर लेंगे। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्टेप है, हमने प्रॉफिट डिटरमिन करना है, प्रॉफिट या लॉस डिटरमिन करना है। और अगर आप देखिए तो हमारे क्रेडिट साइड पे जो कि रेवेन्यूज लिखे हुए हैं, तो वो रेवेन्यूज कितने हैं, 3,22,300 रेवेन्यूज है। और एक्सपेंसेस कितने हैं, एक्सपेंसेस 256,600 है। रेवेन्यूज ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है। तो जब रेवेन्यू ज्यादा होते हैं और एक्सपेंसेस कम होते हैं, तो कंपनी क्या बनाती है, प्रॉफिट बनाती है। तो इसको हम नेट प्रॉफिट या नेट इनकम लिखेंगे। और प्रॉफिट कितना बनाया है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, यानी रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो 66,600 आ रहा है। इसको हम डेबिट साइड पे इसलिए लिख रहे हैं कि हमने इसको बैलेंस करना है।
अब देख लीजिए दोनों साइड हमारी क्या हो गई है, इक्वल हो गई है। जहां पे अमाउंट कम होती है वहां पे, यानी कि एक्सपेंसेस के साथ हम प्रॉफिट को ऐड कर देते हैं, तो ये जो टू कॉलम्स है इनकम स्टेटमेंट के, ये इक्वल शो हो जाते हैं। अच्छा, ये आपका प्रॉफिट है और प्रॉफिट बैलेंस शीट में या ओनर्स इक्विटी में जाके ऐड हो जाता है। तो ओनर इक्विटी बाय नेचर डेबिट क्रेडिट होती है, तो प्रॉफिट भी किस साइड पे हम ले जाएंगे, क्रेडिट साइड पे ले जाएंगे। तो प्रॉफिट भी क्रेडिट साइड पे हो गया। अब आपकी बैलेंस शीट क्या होनी चाहिए है, इक्वल आनी चाहिए है। अगर तो वो इक्वल आ रही है तो फिर आपने 10 कॉलम वर्कशीट बिल्कुल ठीक बनाई है। तो आप देख लीजिए यहाँ से हमने प्रॉफिट कॉपी किया और ओनर्स इक्विटी साइड पे, या यूं कह लें कि क्रेडिट साइड पे बैलेंस शीट की जाके लिख दिया। और लिखने के बाद बैलेंस शीट के दोनों साइड क्या होने चाहिए हैं, टोटल इक्वल होने चाहिए हैं। तो इसका मतलब है आपने 10 कॉलम वर्कशीट बिल्कुल ठीक बनाई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम स्टार्ट करते हैं 4.5A। और ये भी हमने लास्ट वीडियोस में इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज भी बनाई थी और उसकी मदद से हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो यहाँ तक आपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद हम फिर वही काम करेंगे, मजीद 2 कॉलम्स बनाएंगे। तो ये हमारी 10 कॉलम वर्कशीट हो जाएगी। 2 कॉलम हमने मजीद किस तरह से बनाने हैं कि इनकम स्टेटमेंट, तो अगर रेवेन्यू और एक्सपेंसेस है तो हम इनकम स्टेटमेंट में लेके आ जाएंगे, और अगर एसेट्स लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी है तो वो हमारा बैलेंस शीट का पार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, ऑफिस सप्लाईज एंड इक्विपमेंट, ये सारे क्या हैं आपके, ये सारे के सारे एसेट्स हैं। तो एसेट्स की जगह कहाँ है, एसेट्स की जगह है बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में अगर आप चेक कीजिए, हम अमाउंट कौन सी लेके जाएंगे, तो हम अमाउंट सारी की सारी लेके जाएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस वाली। मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को, ताकि दिस वन, ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से, क्योंकि हमने जो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया है उसमें ऑलरेडी अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस और एडजस्टिंग एंट्रीज की अमाउंट शामिल है। अच्छा जी, तो सबसे पहले कैश हो गया, कैश आपका एसेट है तो हम बैलेंस शीट में ले गए, अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट है तो बैलेंस शीट में ले गए, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस एसेट है बैलेंस शीट आइटम, प्रीपेड रेंट करंट एसेट है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस भी करंट एसेट्स है, ऑफिस सप्लाईज भी करंट एसेट्स है, तो हम यहाँ पे बैलेंस शीट में लेके आ गए। उसके बाद अगर आप इक्विपमेंट देखें, ये आपका लॉन्ग टर्म एसेट है तो बैलेंस शीट में आ गया। देन वी हैव एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, जो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है ये कॉन्ट्रा एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट है समहाउ एसेट्स में से माइनस होता है, तो हम यहाँ पे क्रेडिट में इसको ले जाते हैं। उसके बाद आप चेक कीजिए, नेक्स्ट हमारे पास जो है अकाउंट्स टाइटल वो है लाइबिलिटीज के, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, अनअर्न फीस, इनकम टैक्स पेबल, अनअर्न रेवेन्यू, ये सारी क्या है आपकी, ये सारी लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज हमारे पास कहाँ लिखते लिखते हैं हम बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो लाइबिलिटीज हम बैलेंस शीट में लेके जा रहे हैं। क्रेडिट साइड पे ऑलरेडी लिखी हुई है तो हमने क्रेडिट साइड पे कॉपी करके क्रेडिट साइड पे ही उसको लिख देना है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास है, कैपिटल रिटेन अर्निंग और कैपिटल स्टॉक और डिविडेंड्स। तो रिटेन अर्निंग, कैपिटल स्टॉक और डिविडेंड्स, ये तीनों स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी का पार्ट है। और कैपिटल स्टॉक, ये सारे ओनर्स इक्विटी में आते हैं बैलेंस शीट में, तो हम इनकी अमाउंट को बैलेंस शीट में ओनर्स इक्विटी साइड पे लिखेंगे। रिटेन अर्निंग क्रेडिट लिखा हुआ है क्रेडिट पे, तो हम इसको क्रेडिट पे ही पोस्ट करेंगे। उसके बाद कैपिटल स्टॉक भी बाय नेचर क्रेडिट होता है, तो हमने क्रेडिट पे कर दिया। और डिविडेंड ओनर्स इक्विटी कम कर रही होती है, इस वजह से हमने इसको डेबिट पे लिखा है। तो ये सारे आपके इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं थे, बल्कि सारे आपके बैलेंस शीट से रिलेटेड थे। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट आइटम्स आ गए। अब सबसे पहले आपके पास मौजूद है फीस अर्न, फीस अर्न इज योर रेवेन्यू, सो रेवेन्यू इज अ बैलेंस शीट आइटम। ये देखिए 79,000 हमने बैलेंस शीट में लिख दिया, इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया, ये आपका इनकम स्टेटमेंट आइटम है, तो हमने इसको इनकम स्टेटमेंट में लिख दिया।
उसके बाद हम देखेंगे कि ये ट्रेवल एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, यूटिलिटी, डिप्रिसिएशन, सैलरीज एंड इनकम स्टेटमेंट एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्सपेंस। तो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, और क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस हैं तो इनको हम कहाँ लेके जा रहे हैं, एक्सपेंसेस इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हैं, डेबिट साइड पे लिखते हैं, तो हम इनको डेबिट साइड पे कॉपी करते जा रहे हैं। ये सारे ही इनकम स्टेटमेंट आइटम्स हैं, सारे एक्सपेंसेस हैं, हमने लिख दिए। लास्ट हमारे पास है सैलरीज पेबल। पेबल है, लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में जाएगा, क्रेडिट साइड पे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इन सब को टोटल कर लेंगे। तो आप टोटल करते जाइए और देखिए टोटल इनका कितना आ रहा है। एक्सपेंसेस हमने टोटल किए, उसके बाद हम रेवेन्यूज को भी ऐड करेंगे, उसके बाद बैलेंस शीट का हम डेबिट साइड भी ऐड करेंगे और बैलेंस शीट का क्रेडिट साइड भी ऐड करेंगे। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हम देखेंगे कि कंपनी ने प्रॉफिट बनाया है या लॉस बनाया है। तो यहाँ पे देखिए 79,000 रेवेन्यू है और 79,060 एक्सपेंस है। तो एक्सपेंसेस ज्यादा हैं, तो जब एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं और रेवेन्यू कम होता है तो नेट प्रॉफिट के बजाय नेट लॉस हो जाता है। ठीक है, तो 60 का डिफरेंस आ रहा है, 60 का नेट लॉस हो गया। इसको हमने रेवेन्यू वाली साइड पे क्यों लिखा है, क्योंकि हमने इसको इक्वल करना है। अच्छा, इन ठीक है, इसको हमें इक्वल कर देना है। ये देख लीजिए इनकम स्टेटमेंट के दोनों साइड इक्वल आ रहे हैं, नेट लॉस आ गया है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ रेड से। अच्छा, ये जो लॉस है, जिस तरह ये प्रीवियस प्रॉब्लम में आप देखिए प्रॉफिट हमारा क्रेडिट साइड पे था, यानी ओनर्स इक्विटी में जाके ऐड हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह अगर लॉस होगा तो हम यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख लेंगे, क्योंकि ये ओनर्स इक्विटी से जाके लेस हो जाता है। अब जब आप इसको टोटल करेंगे तो बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो आप देख लीजिए 1,53,780 दोनों की, दोनों साइड डेबिट और क्रेडिट साइड बैलेंस की इक्वल है। सो दिस वाज 4.5A, और ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की मदद से हमने इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाई है, यानी 10 कॉलम वर्कशीट कंप्लीट की है। शुरू के ये 6 कॉलम मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट करवाए थे। इसी तरह अब हम 4.6 करते हैं। 4.6 भी बिल्कुल सिमिलर है। 4.6 में हमारे पास आप देख लीजिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, हम पहले ही इसको कंप्लीट कर चुके हैं, बना चुके हैं, और फिर हमने सेम काम रिपीट करना है। क्या करना है, अगर कैश, अगर एसेट्स, एसेट्स लायबिलिटीज और ओनर इक्विटी है तो हम उनको बैलेंस शीट में पोस्ट कर देंगे, और अगर एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज हैं तो उनको हम इनकम स्टेटमेंट में लेके आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, आप चेक कीजिए, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग, सप्लाईज एंड इक्विपमेंट, ये सारे के सारे आपके एसेट हैं। तो कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग और क्लाइंबिंग सप्लाईज, ये सारे आपके एसेट्स हैं, मगर करंट एसेट्स हैं। इनको हम कहाँ लिखते जाएंगे, इनको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑलरेडी डेबिट में है तो हमने इनको डेबिट कॉलम में ही लिखते जाना है। अब यहाँ पे अकाउंट्स रिसीवेबल है 84,400, 15,000 है अनएक्सपायर्ड, एडवर्टाइजिंग है प्रीपेड 1,100 एंड 2,000 से, क्लाइंबिंग सप्लाईज हैं और इक्विपमेंट है 57,600, ये आपका फिक्स्ड एसेट है या लॉन्ग टर्म एसेट है। नेक्स्ट आप देख लीजिए एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है, एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन एसेट से माइनस होता है, फिक्स एसेट से माइनस होता है, कॉन्ट्रा एसेट है, इस वजह से ये बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो चीजें लिखी हुई हैं ट्रायल बैलेंस में गिवन है वो है लाइबिलिटीज, अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्स पेबल और अर्नर्ड क्लाइंट रेवेन्यू। जितने भी रेवेन्यू अर्नर्ड होते हैं वो सारे के सारे आपके लाइबिलिटीज होती हैं।
तो हम लाइबिलिटीज वाले कॉलम में आ जाते हैं बैलेंस शीट में। यहाँ पे हम इसको लाइबिलिटीज में कॉपी करते जा रहे हैं जितना हमें अमाउंट गिवन है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। तो ये हमने अमाउंट यहाँ पे इसको कॉपी की लाइबिलिटीज को। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ओनर्स इक्विटी है, कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स है। इसमें डिविडेंड नहीं दिए हुए तो हम डिविडेंड नहीं लेंगे। तो अमाउंट हम कहाँ से लेंगे, कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग की अमाउंट है ये हमें मिलेगी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से। और आप चेक कीजिए ये क्रेडिट साइड पे है, ओनर्स इक्विटी आइटम है, इस वजह से हम इसको बैलेंस शीट में लेके जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनकम स्टेटमेंट के आइटम्स शुरू हो जाते हैं और इनकम स्टेटमेंट में आप देख लीजिए वी हैव क्लाइंट रेवेन्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइंट रेवेन्यू, रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। देन वी हैव एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंश्योरेंस, रेंट, क्लाइंबिंग सप्लाईज, रिपेयर, डिप्रिसिएशन, सैलरीज, इंटरेस्ट एंड इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। ऑल दीज आर एक्सपेंसेस, सो दे आर रिटन ऑन डेबिट साइड। इसको हम इनकम स्टेटमेंट में कॉपी करेंगे और इनकम स्टेटमेंट में भी हम कौन सी साइड पे इसको लेके आ जाएंगे, डेबिट साइड पे लेके आ जाएंगे इनकम स्टेटमेंट में। तो हम इसको लिखते जा रहे हैं जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन सबको हमने इनकम स्टेटमेंट साइड पे कॉपी किया है। और उसके बाद नेक्स्ट या लास्ट हमारे पास सैलरीज पेबल है। सैलरीज पेबल आपकी लाइबिलिटी होती है इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में लेके आ रहे हैं और हमने बैलेंस शीट में उसको लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अमाउंट हम सारे कॉलम्स की टोटल कर लेंगे। तो अगर आप टोटल करके देखिए तो रेवेन्यू ज्यादा है और एक्सपेंसेस आपके कम है। तो जब आप इनकम स्टेटमेंट में जो आप चेक कीजिए कि रेवेन्यू है 2,01,000 और एक्सपेंसेस हैं 1,66,025। तो यकीनन आपको प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट या नेट इनकम और वो कितना हो रहा है 34,975 दिस वन। और प्रॉफिट आपको पता है ओनर्स इक्विटी में एड हो जाता है इसलिए हम बैलेंस शीट में इसको हमने क्रेडिट साइड पे कॉपी कर दिया। ये इनकम स्टेटमेंट में अगर आप इसको देखें तो हम इसको टोटल कर देते हैं, इनकम स्टेटमेंट की बोथ साइड इक्वल आ गई। और अब हम आते हैं बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट का अगर आप टोटल कीजिए, बैलेंस शीट को हम सम कर रहे हैं डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो प्रॉफिट ऐड करने से पहले दोनों में डिफरेंस आ रहा है। और जब हम इसमें प्रॉफिट ऐड कर लेंगे तो हमारे पास दोनों साइड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो आप चेक कर लीजिए कि प्रॉफिट ऐड करने के बाद दोनों साइड बैलेंस शीट के हमारे क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है 4.7A। इसमें भी हमने एडजस्टिंग एंट्रीज की मदद से एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया था। तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अगर आप चेक कीजिए इसमें कितने कॉलम्स हैं, ये 6 कॉलम्स हम पहले बना चुके हैं और मजीद 4 कॉलम्स हम अभी बनाएंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज कॉपी करने हैं और बैलेंस शीट में हमने एसेट्स लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी कॉपी करना है। और कॉपी कैसे करेंगे, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम अमाउंट कॉपी करेंगे और फिर हम बाकी स्टेटमेंट्स में उसको हम पेस्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं कैश से, कैश, अकाउंट्स रिसीवेबल, सप्लाईज, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड रेंट, इक्विपमेंट, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, ये सारे क्या है, ये सारे आपके एसेट्स हैं। तो एसेट्स कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट में आते हैं और हम इनकी अमाउंट कहाँ से ले रहे हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम इनकी अमाउंट ले रहे हैं, इनको हम कॉपी करते जा रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन है और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पे लिखेंगे क्योंकि ये कॉन्ट्रा एसेट है।
उसके बाद आप चेक कीजिए हमारे पास लाइबिलिटीज हैं, नोट्स पेबल, इंटरेस्ट पेबल, इनकम टैक्स पेबल एंड अनअर्न स्टूडियो रेवेन्यू। सो अनअर्न जितने भी रेवेन्यूज होते हैं वो आपके लाइबिलिटीज होते हैं, करंट लाइबिलिटीज होते हैं। तो इन लाइबिलिटीज को हम लाइबिलिटीज वाली साइड पे बैलेंस शीट में कॉपी कर देते हैं। उसके बाद ओनर्स इक्विटी आइटम्स हैं, ओनर्स इक्विटी में हम चेक करते हैं हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ओनर्स इक्विटी में हमारे पास से कैपिटल स्टॉक मौजूद है और रिटेन अर्निंग्स मौजूद हैं। कैपिटल स्टॉक और रिटेन अर्निंग्स इज अ पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी, बैलेंस शीट है तो बैलेंस शीट में हम ले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है रेवेन्यू मौजूद है, और रेवेन्यू आप चेक कीजिए कितना मौजूद है। रेवेन्यू 1,15,000 रेवेन्यू हमारा इनकम स्टेटमेंट आइटम है तो हम इसको इनकम स्टेटमेंट में ले जाते हैं। उसके बाद हमारे पास तमाम एक्सपेंसेस मौजूद हैं, सैलरीज एक्सपेंस, सप्लाईज एक्सपेंस, इंश्योरेंस, डिप्रिसिएशन, रेंट, इंटरेस्ट, यूटिलिटी, इनकम टैक्स एक्सपेंसेस। तो ये तमाम एक्सपेंसेस जो हैं ये देखिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड पे लिखे हुए हैं, इसलिए हम इसको कॉपी करेंगे और डेबिट साइड पे ले जाएंगे। तमाम एक्सपेंसेस और लास्ट में जो हमारे पास रह गया है वो सैलरीज पेबल है, तो पेबल हमारी लाइबिलिटी होती है, इसको हमने लाइबिलिटी साइड पे लिख लिया। तो तमाम आइटम्स हमने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से कॉपी किए, उनको हमने पोस्ट किया आइदर इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में। ऑल राइट, नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम इनको टोटल कर लेंगे पूरे कॉलम का, और अगर आप टोटल करके देखते जाएं तो ये देखिए हमारे पास एक्सपेंसेस कम है और रेवेन्यू ज्यादा है। तो जब एक्सपेंसेस कम होते हैं और रेवेन्यू ज्यादा होते हैं इसका मतलब है कंपनी प्रॉफिट बनाती है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेट प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बनाया, एक्सपेंसेस को रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे, यानी 1,15,000 में से 87,280 माइनस कर दें तो आपके पास 27,720 आ रहा है, दिस इज योर प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको ऐड करके दोनों साइड अपनी इक्वल कर लेंगे, इनकम स्टेटमेंट हमारी कंप्लीट हो जाएगी और प्रॉफिट ओनर्स इक्विटी में जाके ऐड हो जाता है, इसलिए हमने बैलेंस शीट में इसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया है। अब हम अपने एसेट्स को टोटल कर लेते हैं, तो एसेट्स को जब आप टोटल करते हैं और डेबिट साइड और क्रेडिट साइड को भी हम टोटल कर लेते हैं, दोनों साइड इक्वल नहीं आ रही हैं, लेकिन जब हम प्रॉफिट ऐड करते हैं तो हमारी दोनों साइड क्या आनी चाहिए हैं, इक्वल आनी चाहिए हैं। और आप देख लीजिए प्रॉफिट ऐड करने के बाद बैलेंस शीट इक्वल आ गई है, बैलेंस शीट टैली हो गई है। सो ये था आपका 10 कॉलम वर्कशीट। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको मैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करवाऊंगी, तो फिर हमारे पास अकाउंटिंग साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो।